उपस्थित सारे भाइयों को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी का आशीर्वाद सतत आपके जीवन में बरसती रहे। आप दिन दूना रात चौगुना तरक्की करें, यही युवा प्रकोष्ठ की तरफ से शुभकामना है। मित्रों, अभी आप संगीत सुन रहे थे, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम गुरुवर मेरा नाम हो रहा है। व्यक्ति जब कोई भी अच्छा काम करता है, श्रेय और सम्मान दोनों खोजता है। मुझे श्रेय मिले, सम्मान मिले। माध्यम कोई और बनता है, कराने वाला कोई और बनता है, लेकिन हम लोग चाहते हैं थोड़ा श्रेय मिल जाता तो अच्छा लगता। भगवान देता भी है, लेकिन एक शर्त है, श्रेय उसी को मिलता है जो निष्काम भाव से काम करता है, निस्वार्थ भाव से। जिसमें स्वार्थ छिपा है, ये करेंगे ऐसे तो मेरा ऐसे स्वार्थ सिद्ध होगा, उसको जल्दी श्रेय नहीं मिलता है। आपको इस समय, अभी तो छठ का पर्व बीता है, बहुत सारे भाई गांव से आ जाएंगे, बहुत सारे लड़के आते हैं पूछते हैं युवा मंडल में जाएंगे हमको क्या मिलेगा, युवा मंडल में जाने के बाद मुझे क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। अस्पष्ट जान लीजिए, युवा मंडल में आने के बाद दुनिया की हर वो खुशी मिलेगी जिसके लिए एक इंसान तरसता है। दुनिया की हर वो खुशी मिलेगी जिसके लिए, आपको क्या चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, नाम चाहिए, इज्जत चाहिए, शोहरत चाहिए, पैसा चाहिए। आप उठाकर देखिए युवा मंडल में जितने लोग जुड़े हैं, मिला है कि नहीं मिला है। ये तुच्छ सी चीज है। इतने बड़े शक्तिशाली व्यक्ति और गुरु के गोद में बैठ के अगर आप सोचते हैं तो ये बिल्कुल सामान्य चीज है। आपके लिए धन बड़ा हो सकता है, लेकिन गुरु के सामने वो धन की मात्र तुच्छ सी कीमत है। अब पूछिएगा भगवान से क्या मांगना है, भगवान से क्या मांगे, जाकर गुरु के सामने प्रार्थना करके हाथ पसार के दिल से क्या मांगे। मांगना है तो एक ही चीज मांगो कि हे मालिक, मेरी बौद्धिक क्षमताओं में ज्ञान का भंडार सकारात्मक सोच के साथ भर दो, क्योंकि मेरे जिंदगी में जब तक सकारात्मक विचार रहेंगे मैं कभी बुरा काम नहीं कर सकता, और जिस दिन तुम बुरा काम करना छोड़ दिया उस दिन से तुम अच्छा बनते चले जाओगे। एक ही चीज मांगो, हे मालिक मेरे आंखों में ऐसी रसाई देना, मैं जब जब आईना देखूं बस तू ही तू दिखाई देना। दुनिया में मुझे किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं है, बस केवल और केवल आपका स्नेह प्यार मिले और हम अच्छा काम करते चले जाएं। युवा कौन है जो धारा के विपरीत दिशा में मछली की तरह आगे बढ़ता चला जाए? युवा कौन है जो समाज के लिए हमेशा सोचता हो? युवा कौन है जो 24 घंटा के समय का सदुपयोग करता हो? युवा कौन जिसका रक्त गर्म और मस्तिष्क ठंडा हो? जिसका रक्त गर्म हो और मस्तिष्क ठंडा हो, जिसमें कुछ कर गुजरने की मद्दा रखता हो? आज का युवा कौन? एग्जाम का डेट आ गया है, कैसे तैयारी करें, काफी डिप्रेशन में आ गए। अच्छा, इसके पहले क्या किए? 10th पास करने के बाद 11th 12th किए, 2 साल आपको मौका मिला कि इंजीनियरिंग का बेस बना लीजिए, उस समय आपने क्या किया? भैया उस समय तो एंड्रॉयड सेट के मोबाइल पर व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रहे थे, फेसबुक पर फेस देख रहे थे। तब अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुन गई खेत, अब तब क्यों चक्कर में पड़े हो? अब आपका रिजल्ट कुछ भी कर लो नहीं होने जा रहा है, बुरा मत मानिएगा। यह कर्म फल का सिद्धांत है जो आप विज्ञान में पढ़ते हो, क्रिया तथा उसके विपरीत प्रतिक्रिया बराबर तथा विपरीत दिशा में होती है। बिल्कुल होगा, क्रिया का प्रतिक्रिया 100% होगा। जिस समय आपको 12 से 14 घंटा सेल्फ स्टडी करना चाहिए, जिस समय आपको कमरे बंद करके ईमानदारी पूर्वक माँ बाप के पैसों को सार्थक चीजों में लगाना चाहिए और वो सार्थक चीज तक ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करना, उस समय आप गली चौक चौराहों पर टीवी के पीछे, टेलीविजन के पीछे चिपक कर क्रिकेट मैच कहीं देख रहे थे तो कोई लड़कियों के पीछे दीवाना होकर पागल होकर गांधी मैदान में घूम रहा था, कोई कालीघाट जा रहा था, कोई चिड़ियाखाना में घूम रहा था, किसी को आदत पड़ गई थी दिन भर मोबाइल लेके अपना चला रहा है, व्हाट्सएप चला रहा है, फेसबुक चला रहा है। अरे मेरे मित्र, आप उतने काबिल अभी नहीं हो गए हो कि समाज और दुनिया के बहुत सारे चीजों का अनुभव लो। अभी तो आपको केवल और केवल एक चीज का अनुभव लेना है कि हम अच्छा कैसे बने, हम गुरु कार्य कैसे करें और हम समाज के लिए कैसे करें। समाज का कार्य कौन करेगा? जो अपने माँ बाप की बातों को ईमानदारी से पालन करेगा वही समाज का काम करेगा।
जो अपनी माँ का इज्जत नहीं करेगा वो भारत माँ की इज्जत कभी नहीं कर सकता है। और माँ की इज्जत करना सीखो, भारत की इज्जत अपने आप बढ़ती चली जाएगी। ये आपको जानना होगा, ये सीखना होगा, इसके लिए आप युवा मंडल में आते हो। इसलिए नहीं आते हैं कि हम जाएंगे युवा मंडल में, गाना सुनाया जाएगा, ध्यान कराया जाएगा, सुनेंगे फिर सीढ़ी से निकल के चले जाएंगे। आपके अंदर असीमित क्षमताएं हैं, असीमित। पतला दुबला व्यक्ति जाता है जिम में, जाने के बाद आप देखिएगा वहां ट्रेनर रहता है, उससे कहता है मेरा बाइसेप्स बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। उसको भी आश्चर्य होता है, अरे हम इतने दुबले पतले हैं, मेरा बाइसेप्स बन कैसे जाएगा, तैयार कैसे होगा। वो कहता है आप चिंता मत करिए, 6 महीना हमारे बताए अनुसार कार्य करिए, आपका बाइसेप्स बन जाएगा। अच्छा बिल्कुल बनेगा, हाँ बन जाएगा, ठीक है। ट्रेनर कह दिया, आप देख लिए, देखिए ये सारा मशीन है, सारे मशीन को दिखा दिया, ऐसे ये करेंगे, ऐसे ये करेंगे। अब आप बताइए, वो सारा ट्रेनर बता दिया, आपका बाइसेप्स बन गया, दिख रहा है। कारण, क्रिया करिएगा तब ना प्रतिक्रिया होगा, क्रिया तो किए नहीं, अभी वो समझा दिया। वही दुबला पतला व्यक्ति एडमिशन लेता है और कल से मन से जिम शुरू करता है। शुरू में ट्रेनर उसको खाली बॉडी हीट कराने के लिए रनिंग कराता है, थोड़ा जंप कराता है, सिटअप पुशअप करा के, थोड़ा बहुत करा के वर्क छोड़ता है। जैसे ही धीरे 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 15 दिन होता है, उसको एक शेड्यूल्ड वे में ढालता है और ढालने के बाद उससे कठिन परिश्रम करवाता है। आप देखिएगा दुबला पतला व्यक्ति का शरीर एकदम हिस्ट पुष्ट हो गया। आपको उदाहरण देते हैं, आप लोग सिनेमा देखते हैं, सलमान खान का पहला फिल्म शुरू का नया फिल्म, उस समय सलमान खान शर्ट शरीर में डालता है तो कैसा लगता है, जैसे लगता है बांस में शर्ट डाल दिया गया है। देखे हैं उसके शुरू के फिल्मों को, कौन सा एक बहुत हिट फिल्म था, मैंने प्यार किया, आप देखे होंगे। उसमें देखिए सलमान खान का फिजिक, उसके बाद देखिए आजकल सलमान खान का फिजिक, जबकि 45-50 बरस का हो चुका है, एक बुढ़ापे की तरफ कदम बढ़ा चुका है। अभी उसका शरीर देखिए कैसा लग रहा है। आमिर खान का देखिए, नए फिल्मों में आमिर खान का, क्या यह सीमित क्षमता थी कि असीमित क्षमता थी, असीमित क्षमता थी। याद करिए वो दिन जब APJ अब्दुल कलाम जी रामेश्वरम की गली का चक्कर लगाते हुए पेपर बेचते थे, और याद करिए वो दिन जिस दिन APJ अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन के नाम की उपाधि दी गई होगी। ये सीमित क्षमता के बदौलत हो सकता है, नहीं हो सकता है मेरे मित्र। इसी क्षमता को विकसित करने का नाम भारत का अध्यात्म है, गायत्री महामंत्र है। गायत्री मंत्र का मेडिटेशन जिस प्रकार यहां बताया जाता है, गुरुदेव के टेप के द्वारा सुनाया जाता है, शरीर शांत, मन शांत, विचार शांत, उसके अलावा बताया जाता है कि आप क्या क्या भाव करें, आप इसके अनुकूल करते हैं, दुनिया में आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा डिप्रेशन में कौन है, युवा है, सबसे ज्यादा तनाव में युवा है, जबकि पहले इतना डिप्रेशन नहीं था, हम लोग के समय तक नहीं था। हम लोग मैट्रिक पास किए 2001 में, हम मैट्रिक पास किए 2003 में, इंटर पास किए हैं, क्या बनना है, एयरफोर्स में जाना है, कोई टेंशन ही नहीं है, आपके तरह IITian बनना है ये नहीं है, गांव का लड़का जितना बुद्धि है उतने में काबिल है, जो है उसी में क्या करना है, सीधी सी बात है, IITian नहीं बनना है, एयरफोर्स में भी में जाना है, ठीक है। उसी के अनुकूल आके मेहनत, परमात्मा ने सफलता भी दिया, नियति को मंजूर नहीं था कि बेटा नहीं जाना है तो रोक लिया, वो उनकी थी, लेकिन अपनी लगन से एक अटैम्प्ट में एयरफोर्स की नौकरी अपने हाथ में। तो एक चीज यहां और डिप्रेशन का कारण है कि आपके मनो अनुकूल गार्जियन नहीं कर रहे हैं। आपका मन है कि हम मेडिकल में जाएं, गार्जियन कह रहा है IITian मन। आपका मन है कि हम रेलवे में जाएंगे, गार्जियन कह रहा है ना तुमको मेडिकल पढ़ाएंगे, तुमको मेडिकल में ही भेजेंगे। आप गार्जियन का सुनिए, गार्जियन के सुनने के चक्कर में आप धीरे धीरे डाइवर्ट हो जा रहे हैं। एक चीज मेरे मित्र हमेशा ध्यान में डाल लो, अपने क्षमता के अनुसार अपना कार्य करना, गार्जियन चाहे कितना भी लड़े। नहीं तो कहा जाता है उदाहरण, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, कहा जाता है ना, ना आपके पास नौकरी होगा ना आप गार्जियन के लायक रह जाओगे। आप देख लो कि हमारी क्षमता है,
हम एयरफोर्स में जाएंगे, हम आर्मी में जाएंगे, हम रेलवे में जाएंगे, हम एसएससी में जाएंगे, हम बैंक में जाएंगे, हम आईआईटीएन बनेंगे, हम मेडिकल में उसके अनुकूल चुन लो। हमारा मन रोटी दाल खाने का, आप हमको चावल दोगे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो जब क्षणिक मात्र जीव के स्वाद को लेने के लिए आपका मन चेंज नहीं हो रहा है, तो लंबे समय पढ़ाई के बाद आपकी जीवन को उसी पर जीना है। पिताजी कह दिए रेलवे में नहीं जाना है, तुम्हारा मन रेलवे में जाना है भाई, आईटीएन बन गए अगर, आपका मन लगेगा? नहीं लगेगा।